हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के सेशन नंबर 44 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले सेशन में हमने कंटिन्यूअस टेंस पढ़े और उसके पहले के कई सारे सेशंस में हमने सिंपल टेंस के वाक्यों पर ध्यान दिया। आज के इस नए सेशन में हम सिंपल और कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस को मिक्स करके उन वाक्यों का टेंस पहचानने की, उनको बदलने की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आज का सेशन इन वाक्यों से शुरुआत करने के पहले हम हमारा रोज का काम करेंगे और वो है आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट, आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने का काम। तो शुरुआत के कुछ एक्सरसाइजेस वर्ड पर फोकस करेंगे और उसके बाद आज के सेशन के मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है हार्ड, सख्त या कड़क। हार्ड का मतलब कठिन भी होता है। सॉफ्ट, मुलायम। सेट नंबर 2 सही जवाब है क्वेश्चन, प्रश्न। आंसर, उत्तर। सेट नंबर 3 सही जवाब है वीक, कमजोर। स्ट्रॉन्ग, बलवान। सेट नंबर 4 सही जवाब है हॉट, गरम। कोल्ड, ठंडा। सेट नंबर 5 सही जवाब है लाइट, रोशनी। डार्क, अंधेरा। सेट नंबर 6 सही जवाब है डोमेस्टिक, घरेलू या पालतू। वाइल्ड, जंगली। सेट नंबर 7 सही जवाब है राइट, दाया। लेफ्ट, बाया। सेट नंबर 8 सही जवाब है करेक्ट, सही या बराबर। रॉन्ग, गलत। सेट नंबर 9 सही जवाब है स्मॉल, छोटा। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। बिग, बड़ा। बिगेस्ट, सबसे बड़ा। बंच, झुंड या गुच्छा। सेट नंबर 10 सही जवाब है सिंगल, अकेला। सेवरल, बहुत सारे। मैनी, अनेक। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है प्ले, खेलना। प्रे, प्रार्थना करना। प्रेस, दबाना। पनिश, शिक्षा करना या सजा देना। सेट नंबर 2 सही जवाब है रीच, पहुंचना। रिमेम्बर, याद रखना। रिमूव, निकालना। रिक्वेस्ट, अनुरोध करना, विनती करना। सेट नंबर 3
सही जवाब है सेपरेट, अलग अलग करना, पुट डालना, रीड पढ़ना, रन दौड़ना। सेट नंबर 4, सही जवाब है से, कहना या बताना, सी देखना, सेल बेचना, सेंड भेजना। सेट नंबर 5, सही जवाब है सिट बैठना, स्लीप सोना, स्पीक बोलना, स्पेंड खर्च करना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम, आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है लेस देन 20, 20 से कम, मोर देन 20, 20 से ज़्यादा, आउट ऑफ 20, 20 में से। ये तीन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 2, सही जवाब है फॉर दिस कंट्री, इस देश के लिए, ऑफ दिस कंट्री, इस देश के, फ्रॉम दिस कंट्री, इस देश में से। इन तीन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 3, सही जवाब है सिंस दिवाली, दिवाली से, ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली दौरान। इन दो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 4, सही जवाब है नियर द टू कार्स, दो गाड़ियों के नज़दीक, नेक्स्ट टू द टू कार्स, दो गाड़ियों को लग के या फिर दो गाड़ियों के बाजू में, बिटवीन द टू कार्स, दो गाड़ियों के बीच में। इन तीन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 5, सही जवाब है इन स्पाइट ऑफ हर मेडिसिन, उसकी दवाइयों के बावजूद, ड्यू टू हर मेडिसिन, उसकी दवाइयों के कारण, एक्सेप्ट हर मेडिसिन, उसकी दवाई को छोड़कर। इन तीन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 6, सही जवाब है डिस्पाइट माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बावजूद, लाइक माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों जैसे, बाय माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने, टू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को। इन चार प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। न्यू एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द हिंदी सेंटेंस। आपके स्क्रीन पर अब एक एक करके कुछ हिंदी वाक्य आएंगे। आपको उन वाक्य को पढ़ के ये पता करना है कि वो वाक्य सिंपल टेंस में है या कंटिन्यूअस टेंस में। ये ढूंढने के बाद आपको ये भी पता लगाना है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। कुछ आसान से नियम है,
उनको अगर आप फॉलो करोगे तो हिंदी वाक्य का टेंस ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। पहला हिंदी वाक्य, मेरे क्लास में से सभी विद्यार्थी मुझसे उम्र में बड़े हैं। क्या इस वाक्य में आखिरी शब्द के पहले उसको लग के कोई क्रिया दर्शाने वाला शब्द है? इस वाक्य का आखिरी शब्द है और है के पहले शब्द उम्र में बड़े। उम्र में बड़े इन शब्दों में कोई भी क्रिया दर्शाने वाला शब्द नहीं, इसका मतलब ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता। अगर वाक्य कंटिन्यूअस टेंस होता तो आखिरी शब्द को लग कर उसके पहले कुछ शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड होते। इसका मतलब ये वाक्य सिंपल टेंस है। अब सिंपल पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। आखिरी शब्द है मतलब प्रेजेंट टेंस, तो इस वाक्य का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, उस पेड़ पर अनेक पके हुए आम थे। इस वाक्य का आखिरी शब्द थे, इस थे के पहले उसको लगकर कोई भी क्रिया दर्शाने वाला शब्द नहीं, इसीलिए ये वाक्य सिंपल टेंस। वाक्य का आखिरी शब्द थे, भूतकाल, इसीलिए वाक्य का टेंस सिंपल पास्ट टेंस। अगला हिंदी वाक्य, हम हमारे मित्रों के साथ बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खा रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, इस शब्द को लग के उसके पहले क्रिया दर्शाने वाले शब्द है खा रहा। इसका मतलब ये वाक्य सिंपल टेंस नहीं, ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य का आखिरी शब्द है होने के कारण इस वाक्य का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, छोटा बच्चा मेरे चेहरे को स्पर्श करने के लिए उसका हाथ उठा रहा था। वाक्य का आखिरी शब्द था, वाक्य के आखिरी शब्द के पहले उसको लग के आने वाले शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड है उठा रहा, इसलिए ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी शब्द था, इसलिए ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे मित्र बाजार से मेरे लिए कुछ फल खरीद रहे होंगे। क्या इस वाक्य के आखिरी शब्द के पहले उसको लगकर आए हुए दो या तीन शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड है? जी हाँ है, खरीद रहे, खरीदना यानी बाय, इसलिए ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी शब्द होंगे भविष्य, इसलिए इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, मेरे पिताजी की उस प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मतलब जब आप किसी व्यस्त या बड़े आदमी को मिलने जाते हो तब हम उसका समय लेकर उसको मिलने जाते हैं। समय लेकर मिलने जाने को अंग्रेजी में अपॉइंटमेंट कहते हैं। इस अपॉइंटमेंट का मतलब नौकरी में होने वाली नियुक्ति नहीं, इस अपॉइंटमेंट का मतलब है कि किसी बड़े व्यक्ति को मिलते समय उनका समय लेकर उस समय पे ही उनको मिलने जाना। हिंदी वाक्य, मेरे पिताजी की उस प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। वाक्य का आखिरी शब्द है, उसके पहले एक अपॉइंटमेंट, इसमें कोई भी क्रिया दर्शाने वाले एक्शन नहीं, क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड नहीं, इसलिए वाक्य सिंपल टेंस। वाक्य का आखिरी शब्द है होने के कारण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला हिंदी वाक्य, वह थोड़ा दूध और बादाम लेता है।
वाक्य का आखिरी शब्द है? क्या इस शब्द के पहले कोई भी क्रिया दर्शाने वाले शब्द है? जी हाँ, लेता, लेना यानी टेक, लेता, लेता है, इसलिए ये सिंपल टेंस है। अगर यहाँ पे ले रहा होता तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता। तो ध्यान देना बच्चों, अभी तक के हिंदी वाक्यों में हमें जो सिंपल टेंस के वाक्य मिले उनमें पावर वर्ड वन या तो पावर वर्ड टू था। ये जो वाक्य आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी सिंपल टेंस का वाक्य है, लेकिन इसमें एक्शन वर्ड है। क्यों? आखिरी शब्द के पहले आने वाला शब्द एक्शन वर्ड है। तो सिंपल टेंस में जब आखिरी शब्द के पहले आने वाला शब्द क्रिया दर्शाने वाला होता है तो वो त से खत्म होता है। लेता है, खाता है, सोता है, सिखाता है, पढ़ता है, और वही कंटिन्यूअस में वो ले रहा है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में होता। ले रहा है, खा रहा था, सिखा रहे होंगे। तो ये फर्क है, क्योंकि इस वाक्य में आखिरी शब्द के पहले आने वाला शब्द एक्शन वर्ड है लेकिन वो त से ख़त्म हो रहा है, इसके लिए ये वाक्य भी सिंपल टेंस है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेता है इस प्रेजेंट, लेना इस टेक, लेता है इस टेक्स। अगर वाक्य का आखिरी शब्द लिया ऐसा होता तो फिर ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस होता। तो प्रेजेंट टेंस एक्शन वर्ड वाला, उसमें या तो आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला होता है या फिर आखिरी शब्द के पहले आया हुआ शब्द क्रिया दर्शाने वाला लेकिन वो त से ख़त्म होता है। अगला हिंदी वाक्य, बिल्ली ने कुएं के अंदर बॉल को गिराया। इस वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द है। अगर वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द है तो वो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस होता है। गिराया इज ड्रॉप्ड, गिराना इज ड्रॉप्ड, उसका भूतकाल गिराया इज ड्रॉप्ड। आखिरी हिंदी वाक्य, हमारे शिक्षक नया सिनेमा दिखाने के लिए थिएटर को हमें ले जा रहे होंगे। वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं, उसके पहले उसको लगकर आए हुए दो शब्दों में क्रिया दर्शाने वाला शब्द है ले जा रहे। उन क्रिया दर्शाने वाले शब्दों में रहे इस शब्द का उपयोग होने की वजह से ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी शब्द होंगे भविष्यकाल, इसलिए इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज थी वाक्य सिंपल है या कंटिन्यूअस ये पहचानने की। क्यों जरूरी है ये एक्सरसाइज? अगर हिंदी वाक्य का काल हम सही से पहचान नहीं पाए तब उसका अंग्रेजी वाक्य बनाते समय हम सही शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जिस नियमों की मदद से हमने सिंपल और कंटिन्यूअस ढूंढे उनकी एक क्विक समरी। सिंपल में सिंपल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर होता है। सिंपल पास्ट हो तो वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला एक्शन वर्ड और उसके भूतकाल रूप में होता है। खाया, पिया, सोया, सीखा, सिखाया, खेला। अगर वाक्य सिंपल फ्यूचर है तो वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द होता है और वो भविष्य काल के रूप में होता है। खाऊंगा, पीऊंगा, खेलूंगा, सोऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इन तीनों में से एक रहेगा और उनको लग के उनके पहले आया हुआ शब्द ये क्रिया दर्शाने वाला होगा लेकिन वो त से समाप्त होगा। खाता हूँ, खेलता हूँ, सोता हूँ, पढ़ाता हूँ, सीखता हूँ। कंटिन्यूअस टेंस भी तीन प्रकार के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में आखिरी शब्द हमेशा है, था या होगा, इन तीनों में से कोई तो एक रहेगा।
और इन शब्दों को लगकर इनके पहले आए हुए दो या तीन शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले शब्द होंगे और इन क्रिया दर्शाने वाले शब्दों में रहा ये शब्द होना अनिवार्य है। खा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, खेल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पढ़ा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, खा रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सो रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो वाक्य को देख के वाक्य के रचना अनुसार हम वाक्य का काल पहचान सकते हैं और वाक्य का काल सही से पहचाना तो हमारे अंग्रेजी वाक्य की रचना भी सही होगी। अगली एक्सरसाइज, विच ऑफ द बिलो सेंटेंसेस आर करेक्ट। आपके स्क्रीन पर एक एक करके वाक्य आएगा, या तो वो सिंपल टेंस का होगा या फिर कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि आपको दोनों ही टेंसेस अब आते हैं। आपको वाक्य देख के ये तय करना है कि वाक्य सही है या गलत। शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास नॉट ओल्डर देन मी। सबसे पहले क्या इस सेंटेंस में कोई भी एंकर वर्ड है या देखिए, एंकर वर्ड तीन प्रकार के होते हैं। पावर वर्ड वन इज एम आर वॉज वर विल बी, पावर वर्ड टू हैज हैव हैड विल हैव, और एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड तो बहुत सारे होते हैं। ध्यान से देखने पर आपको ये समझेगा कि इस वाक्य में ना तो पावर वर्ड वन है, ना तो पावर वर्ड टू है, ना ही कोई एक्शन वर्ड है। अगर आपके वाक्य में एंकर वर्ड नहीं है तो आपका वाक्य अवैध है, वो गलत है। ऐसा वाक्य अंग्रेजी में बन ही नहीं सकता। इस वाक्य में एक भी एंकर वर्ड न होने के चलते ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, आर स्कूल टेकिंग अस टू द थिएटर टू शो अस द न्यू मूवी। क्या इस वाक्य में कोई एंकर वर्ड है? पावर वर्ड वन तो नहीं है, ना ही पावर वर्ड टू है, किंतु मुझे दो एक्शन वर्ड दिख रहे हैं। एक आईएनजी से समाप्त होने वाला और दूसरा है शो। लेकिन उस शो एक्शन वर्ड के पहले टू शब्द आया है और मुझे पता है कि अगर एक्शन वर्ड के पहले टू आता है तो वो शब्द एक्शन वर्ड नहीं होता। तो फिर बच गया ये आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड टेकिंग। तो फिर ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, लेकिन क्या इस आईएनजी वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड वन है? नहीं है। तो पावर वर्ड वन आईएनजी वाले एक्शन वर्ड के पहले न होने के चलते ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, देर आर मैनी राइप मैंगोज ऑन दैट ट्री। क्या इस वाक्य में कोई एंकर वर्ड है? एंकर वर्ड तीन प्रकार के होते हैं, पावर वर्ड वन, पावर वर्ड टू, एक्शन वर्ड। जी हाँ, इस वाक्य में आर ये प्रेजेंट टेंस वाला पावर वर्ड वन है और इसलिए ये वाक्य जायज है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में कोई भी वाक्य सही होने के लिए उसमें एंकर वर्ड होने की आवश्यकता है। बिना एंकर वर्ड के बनाया हुआ वाक्य ये गलत होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर ईट लॉट्स ऑफ टेस्टी स्वीट्स विथ आर फ्रेंड्स। क्या इस वाक्य में एंकर वर्ड है? जी हाँ है, वर। ये तो पावर वर्ड वन है। अभी इस पावर वर्ड वन के बाद मुझे एक एक्शन वर्ड दिख रहा है, लेकिन पावर वर्ड वन के बाद अगर एक्शन वर्ड रहा तो वो आईएनजी में होना ज़रूरी है। अगर वो आईएनजी में नहीं रहा तो फिर ये वाक्य गलत है। ये वाक्य सही होने के लिए वहाँ पे ईट नहीं, ईटिंग इस शब्द की आवश्यकता थी, लेकिन वैसे है नहीं, तो फिर ये वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर पावर वर्ड वन अधिक एक्शन वर्ड आईएनजी के रूप का नहीं है। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। माई मोबाइल फोन हैज स्पेस फॉर थ्री सिम कार्ड्स। क्या इस वाक्य में कोई एंकर वर्ड है? जी, मुझे हैज़ ये पावर वर्ड टू दिख रहा है। हैज़
ये सही पावर वर्ड टू है प्रेजेंट टेंस का, तो ये वाक्य भी सही है और इस वाक्य का काल भी प्रेजेंट टेंस ही होगा, तो ये वाक्य सही है। अगला वाक्य, द बेबी इज लिफ्टेड इट्स हैंड टू टच माई फेस। इस वाक्य में मुझे एक पावर वर्ड वन दिख तो रहा है इज, लेकिन उसके बाद मुझे एक एक्शन वर्ड लिख रहा है लिफ्टेड, लिफ्ट यानी उठाना, लेकिन पावर वर्ड वन के बाद आने वाला एक्शन वर्ड केवल और केवल आईएनजी रूप में ही हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वाक्य गलत है। तो ये वाक्य भी गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें पावर वर्ड वन तो है, लेकिन पावर वर्ड वन के बाद आने वाला एक्शन वर्ड आईएनजी से समाप्त होने वाला नहीं है। अगला वाक्य, माय फ्रेंड्स वर ब्रिंग सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मी। इस वाक्य में पावर वर्ड वन है, पावर वर्ड वन के बाद एक्शन वर्ड है, लेकिन वो एक्शन वर्ड आईएनजी से समाप्त होने वाला नहीं है। अगर वाक्य में पावर वर्ड वन के बाद आने वाला एक्शन वर्ड अगर आईएनजी से समाप्त होने वाला न हो तो वो वाक्य सही नहीं होता, तो ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, एवरी एनिमल इन दैट जंगल नॉट वॉज वाइल्ड। सही या गलत इसकी पहचान करने के पहले हमें सबसे पहले देखना है कि क्या इस वाक्य में कोई एंकर वर्ड है। एंकर वर्ड तीन प्रकार के होते हैं, पावर वर्ड वन, पावर वर्ड टू या फिर एक्शन वर्ड। जी हाँ, इस वाक्य में वॉज ये पावर वर्ड वन है, तो ये वाक्य सही होना चाहिए। लेकिन नॉट, अच्छा ये नेगेटिव वाक्य है, लेकिन पावर वर्ड वन वाले नेगेटिव वाक्य में नॉट हमेशा पावर वर्ड वन के बाद आना चाहिए, क्योंकि पावर वर्ड वन के बाद नॉट नहीं है, इसीलिए ये वाक्य व्याकरणानुसार सही नहीं है, ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, द थीव्स आर हाइड ऑल देयर मनी अंडर अ बिग रॉक नेक्स्ट टू द ओल्ड मैंगो ट्री। क्या इस वाक्य में आपको कोई एंकर वर्ड नज़र आ रहा है? जी हाँ आ रहा है, वो है पावर वर्ड वन आर। अरे लेकिन उसके बाजू में मुझे एक एक्शन वर्ड दिख रहा है हाइड, हाइड यानी छुपाना, लेकिन पावर वर्ड वन के बाद अगर एक्शन वर्ड का आना है तो वो आईएनजी से समाप्त होने वाला ही होना चाहिए। यहाँ पे एक्शन वर्ड आया तो है लेकिन वो आईएनजी से समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए ये वाक्य गलत है। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, द कैट ड्रॉपिंग द वॉल इन टू द वेल। इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है, लेकिन इस शब्द के पहले पावर वर्ड वन नहीं होने के चलते ये वाक्य गलत है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज द्वारा हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वाक्य सिंपल टेंस हो सकता है या कंटिन्यूस हो सकता है। सिंपल कब होता है? जब उस वाक्य में केवल PW1 या केवल PW2 या केवल एक्शन वर्ड हो। PW1 इज एम आर वॉज वेर विल बी, PW2 हैज हैव हैड विल हैव, और एक्शन वर्ड तो बहुत सारे हैं। अगर वाक्य कंटिन्यूस टेंस में है तो उसमें पावर वर्ड वन अधिक एक्शन वर्ड आईएनजी में होगा। अगर पावर वर्ड वन है लेकिन उसके साथ आने वाला एक्शन वर्ड आईएनजी में नहीं है तो गलत, और अगर वाक्य में एक्शन वर्ड आईएनजी वाला है लेकिन उसके पहले पावर वर्ड वन नहीं है तब भी गलत। तो उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज के बाद आप सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस के गलत वाक्य पहचानना सीख गए होंगे, और जब आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे तब आप इन सारे नियमों को ध्यान में रखेंगे।